हरमाड़ा में प्रशासन शहरों के संग अभियान हुआ आयोजित। जयपुर जिला कलेक्टर पहुंचे शिविर का निरीक्षण करने हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तीसरे चरण के दौरान हरमाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर की अध्यक्षता वार्ड नंबर 4 की पार्षद राजू देवी सैनी और वार्ड नंबर 3 के पूर्व पार्षद सुनील कारोड़िया ने की। 15 जुलाई से शुरू हुए कैंप में अब तक 4 पट्टे दिए गए। वहीं मंगलवार को शिविर का निरीक्षण करने जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित शिविर स्थल पर पहुंचे और अधिकारियों से शिविर के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि शिविर में प्राप्त आवेदनों के समय पर निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गरीब लोगों को इन शिविरों में किसी तरह की परेशानी न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। पट्टे प्राप्त करने से होने वाले फायदों और पट्टे नहीं मिलने से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को बताया जाए, ताकि लोग पट्टे जारी कराने के प्रति जागरूक हों। जानकारी के अनुसार मुरलीपुरा जोन उपायुक्त संतोष गोयल ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरमाड़ा में 15 जुलाई से प्रशासन शहरों की संघ अभियान के तीसरे चरण में शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में अब तक 4 पट्टे दिए गए हैं। वहीं बताया कि हरमाड़ा क्षेत्र में पुरानी आबादी होने के कारण काफी समस्याएं आ रही है। प्रशासन ने 272 पट्टे जारी किए हैं। गोयल ने बताया कि राज्य सरकार ने कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के नियमन किए जाने की कट ऑफ डेट को 1999 से बढ़ाकर दिसंबर 2021 किया गया है। कट ऑफ डेट तक विकसित कॉलोनियों को 70:30 अनुपात में रखकर लेआउट प्लान स्वीकृत किया जा सकेगा। जिन कॉलोनियों में न्यूनतम 60% भूखंडों पर निर्माण होकर लोग बस न्यूनतम 20 फीट सुनिश्चित करते हुए सर्वे के आधार पर पट्टे दिए जा सकेंगे। साथ ही कच्ची बस्तियों के भी पट्टों की कट ऑफ डेट 2009 से बढ़ाकर दिसंबर 2021 तक कर दी है, ताकि लोगों को पट्टा मिल सके। जहां पहले कच्ची बस्ती में 10 वर्ष तक पट्टा बेचने पर पाबंदी थी, अब इसे घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों की घनी आबादी में बने हुए पुराने मकानों का 501 रुपए में पट्टा देने के लिए धारा 69A में काफी शिथिलताएं दी गई है।